तो यहाँ पे हम लोग के पास एक और डब्बा आ चुका है जिसको आज की वीडियो में अनबॉक्स करने वाले हैं। इन डब्बे में हम लोग को मिल जा रहे हैं TWS ईयरबड्स जो कि बहुत ही कम प्राइस में आए हैं। इनका प्राइस अराउंड 300-400 रुपए था जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करे थे। और इन ईयरबड्स में आप लोग को काफ़ी अच्छा बेस और साउंड क्वालिटी वगैरह मिल जाती है, ऐसा मैंने रिव्यू में पढ़ा है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसको अनबॉक्स करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये सब चीज़ें कितनी सच है, और मैं अगर इसका अच्छा होगा तो मैं आप लोग को अच्छा रिव्यू दे दूंगा। तो आप लोग फिर अगर जो लोग बजट ईयरबड्स देख रहे हैं वो लोग खरीद सकते हो जाके। तो फिर वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना। तो जब ईयरबड्स आए तो मुझे दो चीज़ मिली, एक तो इसका बॉक्स था और एक पन्नी थी जिसमें आई थिंक एक्स्ट्रा ईयरबड्स और चार्जर है इसका। तो अभी हम लोग बॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो बॉक्स का कुछ इस तरह के हम लोग को मिल जाता है जो कि थोड़ा वाहियाती क्वालिटी में आया है, बट इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। और आप लोग देख सकते हो बॉक्स में साइड में आप लोग कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन दी गई है और पीछे साइड में आप लोग को भी दी गई है जो कि आप वीडियो रुक के आराम से पढ़ लेना, लेकिन हम नहीं रुकने वाले, हम पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो इसको ओपन करते हैं, हम लोग को सबसे पहले मिल जाता है हमारा यूज़र मैनुअल जो कि कुछ इस तरीके का है, थोड़ा मोड़ा मोड़ा सा आया है, बट हम लोग इस चीज़ को भी इग्नोर कर सकते हैं। और हम लोग को मिल जाता है इसका जो केस और एयरपॉड्स जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में है जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, और इनका जो डिज़ाइन है वो बहुत प्यारा है। मतलब इस प्राइस के अकॉर्डिंग ऐसा डिज़ाइन मिलना काफ़ी मुश्किल है। जब आप लोग इसके जो ईयरबड्स हैं उनको जब केस में डालते हो तो उनका कलर जो है वो रेड हो जाता है जो कि इसमें LED दी गई है, और जब आप उनको निकालते हो तो इनका कलर ब्लू हो जाता है जो कि एक इंडिकेटर है। तो काफ़ी अच्छा फीचर है, मतलब इस प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा फीचर लगा मुझे। और आप लोग जो देख रहे हो ये ईयरबड्स, इनमें आप लोग को कोई बटन नहीं मिलते, बट इसमें आप लोग को टच सेंसिटिव सेंसर्स मिलते हैं जो कि एक काफ़ी एडवांस फीचर है इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग किसी भी ईयरबड का। तो मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगा कि आप लोग उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। उससे पहले हमें बढ़ते हैं अपनी जी जो पन्नी थी उसकी तरफ। तो इस पन्नी में आप लोग को इसके कुछ एक्स्ट्रा USB केबल मिल जाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा जो वो नहीं होती क्या कहते हैं ईयरबड्स जो कि ईयरबड्स है या बड्स हैं जो भी कहते हैं आप लोग समझ जाना, वो मिल जाते हैं जो कि चार मिल जाते हैं आप लोग को, जो कि काफ़ी अच्छी बात है बिकॉज़ यूजुअली लोगों के ये निकल विकल के कहीं भी फेंक विक जाते हैं। तो आप इसको बार बार बदल बदल के पहन सकते हो जो कि काफ़ी अच्छा बात है, मतलब इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग जो कि ये लोगों ने अच्छा किया। तो अब बात करते हैं ये जो ईयरबड्स हैं इनके जो टच सेंसिटिव बटन को आप यूज़ कैसे कर सकते हो। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो पीछे साइड मोबाइल पे गाना चल रहा है और यहाँ पे मेरे पास दोनों बटन्स हैं, तो आप लोग इनमें से किसी भी एक को प्रेस करोगे एक बार तो आप लोग को मतलब जो गाना या चल रहा है या वीडियो चल रही है वो पॉज हो जाएगी, और आप लोग जब उसको दोबारा वो प्रेस करोगे तो वो रेज्यूम हो जाएगी। जो ये फीचर तो बहुत नॉर्मल सा है। और जब आप लोग लेफ्ट राइट वाले को जो ईयरबड्स है उसको जब टैप करोगे तो आप लोग का जो गाना है वो नेक्स्ट वाला स्वाइप हो जाएगा, और जब आप लोग लेफ्ट वाले को वो टैप करोगे तो आप लोग का जो प्रीवियस वाला सॉन्ग था वो सेलेक्ट हो जाएगा या प्रीवियस वाली वीडियो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होगे पीछे साइड में। और जब आप इन दोनों को बहुत देर तक होल्ड करके रखोगे तो आप लोग का जो गूगल असिस्टेंट है वो ओपन हो जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग। मैं बार बार ये कह रहा हूँ बट दिस इज ट्रू, इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे ईयरबड्स मुझे लगे। और बाय द वे दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड, मैं अपने मन से रिव्यू दे रहा हूँ बिकॉज मेरे खुद के पैसे लगे हैं तो मैं जो भी बोलना चाहूँगा बोल सकता हूँ। तो अब बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी की। तो मैंने ईयरबड्स को काफ़ी दिन यूज़ करा था और जैसे कि मैं आप लोग बता रहा है इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई है। I mean इसकी जो गेमिंग के रिलेटेड साउंड क्वालिटी है वो मुझे ठीक ठाक ही लगी बिकॉज इसकी थोड़ी लेटेंसी लो है, लेटेंसी हाई है बिकॉज थोड़ा सा जब आप बटन फायर करते हो तो थोड़ा सा डिले होता है साउंड आने में। तो गेमिंग के लिए मैं उतना रिकमेंड नहीं करूँगा, बट अगर आप म्यूज़िक सुनने के लिए ले रहे हो कैजुअली कॉल वॉल पर बात करने के लिए तो काफ़ी अच्छे ईयरबड्स हैं। मतलब आप लोग को इसकी साउंड क्वालिटी अराउंड जो 1200-1300 के ईयरबड्स आते हैं उसी से रिलेटेड मिलती है। साउंड क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा साउंड है। बेस थोड़ा सा कम मुझे लगा बिकॉज जो मैंने हाई बेस बूस्टेड गाने सुने थे उनमें मुझे बेस उतना पता नहीं चल रहा था, बट आप लोग को इसमें जो जैसे एडिटेड सॉन्ग्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे से आप सुन सकते हो, मतलब एकदम कान में फिट भी हो जाते हैं। एक्चुअली इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छे से आप लोग कान में फिट हो जाता है जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये मतलब आप लोग के कान में एकदम घुल मिल से जाते हैं। अब मुझे कोई और वर्ड नहीं मिल रहा था तो आप इसी से समझ जाना, दैट वाइज इसका जो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और साउंड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो अगर मैं इस ईयरबड्स को रिव्यू दूँ तो मेरी तरफ से ये हैं 8.5 out of 10, बहुत अच्छी ईयरबड्स लगे मुझे। इनकी बात है लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आप लोग को इनको खरीदना होगा तो आप वहाँ से जाकर खरीद सकते हो। और फिर यहीं तक आज की वीडियो आप लोग को बढ़िया लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी मैं मिलता हूँ उससे रिव्यू में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।